नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। खबर आपको मैनपुरी से दिखा रहे हैं, जहां पर मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद ने मैनपुरी शहर स्थित सर्किट हाउस पर पहले सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदारों के साथ बैठक की, जिसमें कहा गया कि सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि गाँव या शहर सभी जगह रोड की मंशानुसार सरकार की मंशानुसार ही रोड बनना चाहिए, ताकि जनता व आम किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिसके बाद वहां से जनपद में प्रस्तावित करीब एक दर्जन से अधिक रोडों का उद्घाटन किया और सभी अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेकेदारों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द प्रस्तावित रोडों को बनाकर पूर्ण किया जाए। तो वहीं मंत्री ने बताया कि सरकार को 100 दिन की योजना के चलते, जो सरकार के द्वारा चुनाव के दौरान वादे किए गए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है और जल्द ही जल्द हर घर में गांव से रोड सीधी बाईपास से जोड़ी जाएगी, ताकि जनता को किसी भी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। क्या कुछ कहा जतिन प्रसाद लोक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश ने, सुनिए। क्या उद्देश्य है आप आज मैनपुरी जनपद आने का? सौभाग्य मिला है हमारे वरिष्ठ नेता ने मिल के यहाँ लोक निर्माण विभाग की जितनी योजनाएं हैं उसकी समीक्षा, गहन चर्चा करके समीक्षा की, एक एक बिंदु पे, एक एक मार्ग, एक एक सेतु, एक एक निर्माण का और आगे की रूपरेखा बनाई है। और मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता भी है कि जो यहाँ खासतौर से मांग रखी गई है और वो है मैनपुरी बाईपास की, उसके ऊपर अधिकारियों से चर्चा करके आगे की रूपरेखा सुनिश्चित कराई गई है कि कैसे केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार दोनों मिलके सेतु निगम से बात करते हुए, क्योंकि दो रेलवे ओवरब्रिज इस मार्ग पर आएंगे, एक सेतु का निर्माण होगा, जमीन अधिग्रहण होगा और दो हाईवे NH1 और NH2 को एक कनेक्ट करने का एक मार्ग भी बनेगा और मैनपुरी के लिए बाईपास और लाइफलाइन साबित होगा। इसकी आगे के लिए जो रूपरेखा तैयार की जा रही है, ताकि केंद्र सरकार से बात करके उसको धरातल पर उतारें। अभी जो है करीब 5 गांवों में ऐसा रहा कि गांव वालों ने चुनाव बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। 100 दिन सरकार के पूरे हो गए, क्या उन लोगों से जो वादे किए गए थे पूरे करें सरकार ने? जहाँ तक रोड का सवाल है, ये एक एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का, देश का उसका अधिकार है कि उसे बढ़िया रोड उपलब्ध कराई जाए और यही सरकार की सोच भी है और हमारा संकल्प भी है। और आज इसी बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जहाँ नए रोडें बन रही हैं और जहाँ कार्य प्रगति पे ढिलाई पे है और जहाँ रोडें खराब हैं, उनकी व्यवस्था, रूपरेखा, कार्ययोजना तैयार करके तुरंत कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।